स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट अदर एंड ऑफ द बार। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट समझनी है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट समझ लें। ठीक है, इसने कहा है कि एक यूनिफॉर्म बार है 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक बार है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसका ठीक है, ये इसका कह लें कि ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब उसने कहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये कितना है, फुल 1 मीटर है इसकी लेंथ। ठीक है, अब उसने क्या है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीन्स के 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का ही मतलब है कि इस साइड पे भी 50 सेंटीमीटर है और इस साइड पे भी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने कहा कि एक मास है जो कि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, अगर ये पूरा 50 है तो आप कह लें कि तकरीबन इतने पॉइंट पे क्या बनेगा, इसका 20 सेंटीमीटर बनेगा। तो इतने डिस्टेंस पे क्या है, एक मास लटकाया हुआ है जिसका वेट कितना है, मास तो है 10 kg। ठीक है, इसका मास कितना है, 10 kg। ठीक है, अब इस साइड पे आप देखें कि 10 kg का मास ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको अदर साइड पे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये जो आपके पास एक बार है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो दूसरी साइड पे जो फोर्स है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने इस साइड पे आपको जितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी आपने वो फोर्स फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, आपने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि टॉर्क, वही टॉर्क ही है ना, कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, उसको मैं ए से लिख रही हूँ, उसको सी से लिखा है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, आप ये कहेंगे इस साइड पे जो टॉर्क है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ आप देखें इस साइड पे फोर आप लिखेंगे कि फोर्स, इस साइड पे आप लिखेंगे कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, जिसे आप मोमेंट आर्म लिखते हैं। ठीक है, और इस साइड पे क्या है, मास लटकाया हुआ है, तो इसका आप वेट लिख लेंगे। वेट का आप इस तरह लिखेंगे कि डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, अब यहाँ इस साइड पे देखें, मास दिया हुआ है, मास से आप वेट फाइंड आउट कर लेंगे। मास कितना है, मास इज 10 kg, वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। आप यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू कितनी, 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, अब एक साइड पे आपको वेट पता चल गया कि कितना है, 100 न्यूटन है, और कितने डिस्टेंस पे है, उसने कहा था हमें कि 0.2 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना था, 20 सेंटीमीटर, और इस साइड पे कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लेंथ को मीटर में लेते हैं, आप सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में। ठीक है, तो यहाँ आप लिखें कि वेट किसके इक्वल है, वेट आपके पास 100 है, आप यहाँ लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय, तो हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे वेट कितना है, इसकी मास की वजह से वेट कितना था, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ वेट, मोमेंट आर्म ऑफ वेट कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, इस साइड पे जो फोर्स है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और उस फोर्स का मोमेंट आर्म कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, मीटर में हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, आप क्या कर देंगे, 0.5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरफ ये कट जाएगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करें तो आंसर आता है 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5, जब आप इसको डिवाइड करेंगे फोर्स आपके पास आ जाएगी 40 न्यूटन। ठीक है, मतलब जो फोर्स दूसरी साइड पे आपको लगानी पड़ेगी वो किसके इक्वल होगी, 40 न्यूटन के इक्वल होगी।